Hello and assalamu alaikum. Once again, this is Ali Umair and welcome to my Facebook and YouTube channel. So, aaj hum jis topic pe baat karna cha rahe hain, that is drones and drone filmmaking. So, recently I've got a new drone as well, aur isliye main baat karna cha raha tha. Let's talk about drones. So, drones ka comparison kis cheez ke sath hona chahiye aur drones ne kis tool ki filmmaking tool ki jagah li hai? जो मुझे समझ आती है वो अगर आप देखें तो जिब्स शूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी पहले, अभी भी होती हैं कमर्शियल शूट्स के ऊपर जहाँ पे ड्रोन्स फिट इन नहीं हो सकते. बड़ा कंट्रोल्ड अगर आपको शॉट चाहिए हाइट से चाहिए तो यू कैन यूज़ जिब्स. बट अगर जनरली अगर देखा जाए तो आउटडोर्स अगर आपने लेना हो तो पहले तो हेलीकॉप्टर पर चढ़ के कैमरा लेके शॉट्स लेते थे. तो अब ड्रोन कैमराज ने लाइफ बहुत आसान कर दी कि आप यहाँ पर खड़े खड़े और अगर आपने कुछ टॉप शॉट दिखाना है, बहुत ज़्यादा पूरा एरिया दिखाना है, कुछ इस्टेब्लिशिंग शॉट है या कोई गाड़ी जा रही है उसको फॉलो करना है या कुछ भी इस तरह के शॉट्स हैं, चेजिंग शॉट्स हैं, चेजिंग सीक्वेंस है उसका कोई शॉट है, तो बहुत सारे इस तरह के जो शॉट्स हैं जो कि आप टॉप परस्पेक्टिव दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइफ आसान कर दी है ड्रोन ने बेसिकली. मैं जनरली अपने शूट्स के ऊपर जो मैं हेड कर रहा होता हूँ, डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, उसके ऊपर ड्रोन ऑपरेटर मुझे हायर करना पड़ता है और मैं करता हूँ और वो आके शॉट्स बनाता है और ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ता है कि मुझे इस टाइप का शॉट चाहिए. तो ये मेरा फर्स्ट ड्रोन है जो मैंने अभी लिया है और मैं ट्रैवल करता हूँ काफ़ी, मुझे शौक भी है, तो मैं यही चाह रहा था कि मेरे पास अपना कुछ हो कि आसानी से उड़ा लिया और आपने शॉट बना लिया, जो कि मैं प्लान भी करूँ आगे काफ़ी सारा कंटेंट निकालने के लिए, ट्रैवल फिल्म्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए बड़ा हैंडी टूल है. मैंने जो ड्रोन ख़रीदा दैट इज़ डी जे आई मैविक एयर. सो आई वेंट आउट एंड शॉट सम स्टफ़ ऑन माई न्यू ड्रोन मैविक एयर. वो फुटेज चेक करें और फिर वापस आइएगा. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And मार्केट में बहुत सारे ड्रोन्स अवेलेबल हैं अगर हम बात करें तो, उसके अंदर बेस्ट ब्रांड इस वक्त मार्केट के अंदर दैट इज़ डी जे आई और ये डिफरेंट रेंज है इनकी ड्रोन्स की. टॉप ऑफ द लाइन जो आप लोग यूज़ करते हैं, जो कि कमर्शियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए, फीचर फिल्म्स के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ इंस्पायर सीरीज़. इंस्पायर सीरीज़ के अंदर ये है कि उसके अंदर आपको इंटरचेंजेबल लेंसेज होते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप लेंस लगा के आप शॉट ले सकते हैं. मेन जो उसका फीचर है जो फिल्म फीचर फिल्म्स के लिए रिक्वायर्ड होता है वो है फॉर्मेट. उसके अंदर आप जो फॉर्मेट अवेलेबल है वो आप ड्रॉ के अंदर भी आप शूट कर सकते हैं और आपको जब आप फिल्म शूट कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको डायनेमिक रेंज बहुत हाई चाहिए होती है फुटेज की, क्योंकि उस पर कलर ग्रेडिंग होनी होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडिटिंग होती है. एडिटिंग तो चलें हर जगह होती है बट जनरली पोस्ट प्रोसेसिंग आपकी कलर ग्रेडिंग बहुत हैवी होती है और सी जे इफेक्ट्स और ये वो, तो उसके लिए आप फॉर्मेट चाहिए होता है फुटेज का, वो आपको रॉ रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर वो अवेलेबल है. दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, टॉप ऑफ द लाइन है तो ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी महंगे हैं. और फिर उसके बाद सेकेंड बेस्ट है दैट इज़ आपके फैंटम्स, फैंटम सीरीज़ है, उसमें फैंटम 4
थ्रीज हैं और फिर उससे नीचे आ जाते हैं, जो कि अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिए हैं DJI ने। DJI का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि DJI जो है वो दुनिया का बेस्ट ब्रांड है ड्रोन्स के अंदर। बाकी इक्का दुक्का और ब्रांड है जो कि आते हैं और एक एक दो दो ड्रोन फेंकते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो दीज पीपल आर कंसिस्टेंट एंड दे आर इवॉल्विंग एवरी सिंगल डे मंथ ईयर विद द टेक्नोलॉजी ऑफ दीज ड्रोन्स। और फैंटम्स के अंदर भी आपको जो है उस तरह की तो ऑप्शंस नहीं है जैसा कि इंस्पायर सीरीज़ में, बट उसके अंदर ये है कि बहुत अच्छी हाई एंड क्वालिटी आप उसके अंदर 4K आपको शूट करने की ऑप्शन है। प्लस उसके बाद आ जाएं आप 120 FPS भी कर सकते हैं, उसके अंदर स्लोमो की भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगेन 3K 2K एंड 1080p वो आप इस पर शूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट कलर प्रोफाइल ऑप्शंस भी, फ्लैट इमेज अगर आपको कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा करनी है वो भी आप इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। फिर उसके बाद आ जाएं, इसके बाद मैविक आ जाते हैं। अगर आप ट्रैवलर हैं, व्लॉगर हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए ये बड़ा कॉम्पैक्ट फोल्डेबल ड्रोन इन्होंने निकाला था। आई थिंक पिछले 2 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अभी रिसेंटली इन्होंने 2 और ड्रोन फेंके हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ये वाले ड्रोन्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ट्रैवलर हैं। दीज ड्रोन्स आई थिंक इनकी प्राइस जो है स्टार्ट होती है $1000 एंड फिर आगे ऊपर जाते जाए, जितना गुड डालोगे उतना मीठा वाला हिसाब है। और जो मैंने लिया, अब जो नेक्स्ट है जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ मैविक एयर। ये इससे भी छोटा है, फोल्डेबल है, प्लस ये है जो ट्रैवल करना होता है और शूट्स पे जाना होता है तो मुझे एक बड़ा कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए था। तो ये जो ड्रोन जब आया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मैविक प्रो से भी छोटा और फोल्डेबल ड्रोन, कॉम्पैक्ट साइज ड्रोन है ये, और उसमें फीचर्स ऑलमोस्ट वही थे सारे, बट रेंज इसकी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मैविक प्रो, बट क्वालिटी वैसी है, बल्कि प्रॉब्ली उससे थोड़ी अच्छी है जो कई लोगों ने, मैंने जो कंपैरिजंस देखे हैं इसकी अच्छी है। फिर 120 FPS, 4K, फिर उसके बाद 6 सेंसेस, 2 फ्रंट पे, 2 बैक पे और 2 नीचे, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स भी इसके अंदर हैं। तो मतलब कमाल चीज़ है ना ये। तकरीबन मुझे पड़ा है यहाँ पे आपके वैसे तो मार्केट में $1000 का है ये इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पे पाकिस्तान में ड्यूटीज़ वगैरह आपको जैसा कि पता पड़ती हैं, तो मुझे 140-145 के अराउंड पड़ा था। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे एंड फॉर दिस वीक। सो इंशाल्लाह आई विल कैच यू गाइस नेक्स्ट वीक विद द न्यू वीडियो। टिल देन टाटा। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग।